तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या है कि बेसिकली एस्पिरिकल बॉडी है जिसका मास एम के जी है और वो अपना मोशन रेस्ट से स्टार्ट करती है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक हम एस्पिरिकल बॉडी बना लेते हैं। ये एक एस्पिरिकल बॉडी है और तुम देखोगे यहाँ से एक एस्पिरिकल बॉडी चली है। लेट अस कंसीडर ए स्फीयर, दिस इज़ द स्फीयर, दिस इज़ नॉट गुड, नाउ इट इज़ गुड। तो अगर ये स्फीयर यहाँ से चलता है तो बेसिकली ये स्फीयर यहीं पे आता है, कहीं पर पहुँच जाता है, ये वही स्फीयर है। तो अगर ये यहाँ पर है तो इस बॉडी के पास कितना मास है भाई? 2 kg का मास है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल स्पीड 0 था जब टाइम 0 था। काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पर जब कुछ डिस्टेंस से चली है, यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी उसकी गेन हो गई है और ये काइनेटिक एनर्जी 10,000 जूल है। अब एंड ऑफ द 5th सेकेंड, जब टाइम यहाँ 0 था मतलब यहाँ से यहाँ तक 5th सेकेंड ख़त्म होने वाला है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड बीत चुका होगा। ठीक है ना, तो फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, तो इस पे अगर तुम फोर्स की वैल्यू देखोगे तो फोर्स का लॉजिक क्या है? तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो मास तो 2 kg है, मतलब ये हुआ एक्सलेशन। अगर मैं एक्सलेशन निकालने में सक्सेस हो गया, ठीक है, इस बॉडी का यहाँ पर, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यार। समझ में आया? तो एक्सलेशन कैसे निकाला जाए भाई? तो हम याद करते हैं कि यहाँ पर कितनी जब काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो उसकी स्पीड कितनी वो भी तो नहीं पता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है ½ mv². तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? 10,000 जूल है और ये आ जाएगा हाफ और मास 2 और स्पीड v का स्क्वायर। तो ये सब खत्म हो गया, तो स्पीड v का अंडर रूट यहाँ से 10,000 रखोगे तो ये वाला, तो अंडर रूट अगर 10,000 रखे हो तो यहाँ से तुम देखोगे कि 100 m/s² 100 m/s यहाँ पर स्पीड 100 m/s गेन किया होगा, काइनेटिक एनर्जी इतनी हुई होगी। तो अब एक काम करते हैं, जब यहाँ पे स्पीड पता चल गया, यहाँ पे स्पीड 0 था तो बॉडी कितने से एक्सेलरेट कर रही है, ये एक्सेलरेशन हमें चाहिए। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर देता हूँ, ए टू बी फर्स्ट इक्वेशन, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दूँ तो मुझे एक्सलेशन पता चल जाएगा। तो स्पीड 100 है, इनिशियल 0 थी एक्सलेशन और टाइम 5 सेकेंड बीत चुका है, तो एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी 20 m/s का स्क्वायर ये। और ये वाला एक्सलेशन अगर यहाँ पर पुट कर दोगे तो जो फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 × 20, दैट इज फाइनली 40 N। इस पे फोर्स कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा होगा, तो द फाइनल सोल्यूशन इज 40। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।